हेलो एवरीवन, आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होगा और मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज जा रही हूँ घूमने। कहाँ घूमने जा रही हूँ, वीडियो लास्ट तक बनी रहिए, देखिए। और मेरे साथ जा रही है मेरे मम्मी के मम्मी, नानी जा रही है मेरे साथ, मेरे भाई जा रहे हैं, मेरे सिस्टर जा रहे हैं और मेरा सिस्टर इन लॉ जा रहे हैं, सिस्टर इन लॉ का बच्चे जा रहे हैं, हम सब एक साथ में जा रहे हैं। जाते जाते देखो व्यू, देखो कितना अच्छा लग रहा था। और देखते देखते हम पहुंच गए अगरतला रेल स्टेशन में। बहुत ही अच्छा लग रहा था और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा था। और हम स्टेशन के अंदर चले गई, हमारी तरह बहुत लोग भी इधर बैठा है जाने के लिए। फिर हम आने के बाद, स्टेशन पे अंदर आने के बाद थोड़ा घूम घूम के देख रहा था। देखो इधर फैन भी लगा के रखा है और हम नीचे बैठ गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल एल ए ब्लॉगर। मेरा और एक न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। और देखो आज पूरा रेडी होकर आपके सामने आया हूँ। और आज जा रही हूँ मैं गुवाहाटी, असम के पास जो गुवाहाटी मिलता है वो गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में। तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए कहाँ से जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। ये है हमारा का त्रिपुरा का स्टेट का रेल स्टेशन है, जो देख रहे हो अभी मैं खड़ा हूँ वो अगरतला रेल स्टेशन है, त्रिपुरा स्टेट का है। देखो बहुत ही भीड़ है इधर और आज गर्मी भी बहुत है। और इधर एक ट्रेन भी खड़ा है सिलचर जाने के लिए, और गुवाहाटी का ट्रेन अभी तक आया नहीं है, इस एक नंबर प्लेटफॉर्म में आएगा, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। वीडियो के साथ बनी रहिए, देखते रहिए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इधर। हेलो गाइस, देखो ये है सिलचर का ट्रेन, अभी जो छोड़ रहा है प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं अभी सिलचर का। अभी देखो जितना टाइम हो रहा है उतना ही लोग पैसेंजर बढ़ रहे हैं, इतना भीड़ हो रहे है देखो। और आसमान देखो, इतना बारिश आएगा लग रहा है, जैसे कि इतना बारिश आएगा, इतना मौसम करके रखा है। देखो आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और हम भी इधर आ गया है और मेरा सिस्टर इन लॉ भी आ गया और हस्बैंड भी आ गया और मेरा सिस्टर भी आ गया, हम सब एक साथ में इधर ही खड़ा हूँ। ट्रेन के लिए वेट कर रहे, ट्रेन ही अभी आने वाला है। हमारा ट्रेन था शाम को 7 बजे। देखो अभी 7 बज रहे हैं और ट्रेन आ जाएगी, इसीलिए लोग इतना भीड़ है इधर, सभी खड़ा है जाने के लिए। हेलो गाइस, देखो हमारा ट्रेन आ गए अभी एक नंबर प्लेटफॉर्म में। और इधर बारिश भी शुरू हो गया है थोड़ा बहुत। और देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर, सभी लोग खड़ा हो गया है ट्रेन पे उठने के लिए। बहुत ही भीड़ लग रहा है, हम लोग तो लास्ट में उठेंगे ट्रेन पे। बारिश भी हो रही है और भी बहुत ज़्यादा बड़ा भी है ट्रेन। चलो हम फिर मिलूंगा, अभी ट्रेन रुक गया है, अभी उठूंगा उसके बाद वीडियो ऑन करूंगा। वीडियो के साथ बने रहिए। देखो अभी हम ट्रेन पे चढ़ गया, जिसका सीट है हम सब सीट पे बैठ गया हूँ। हमारे साथ दो और भी भैया था, दो हमारा सीट में एक साथ में, मेरा बराबरी ननद का लड़की है, देखो बैठा है। हेलो गाइस, देखो हम एकदम पसीना से पूरा भीगा हुआ है, इतना गर्मी लग रहा है और ट्रेन पे इतना भीड़ है, क्या बताऊँ, बहुत ही गर्मी है। उसके बाद मेरे हस्बैंड समोसा लेके आया सबके लिए, अभी हम सब मिल के समोसा खा रहे हैं। देखो मेरा बच्चे, मेरे सिस्टर इन लॉ का बच्चे सब, हाँ हमारा एक साथ में सब मिलके खा रहे समोसा। और मैं भी ले लिया, देखो मैं पूरा ही खा लिया, थोड़ा बहुत बचा था इसीलिए थोड़ा वीडियो किया। और उसके बाद हम चल बसे अगरतला से गुवाहाटी के उद्देश्य से। देखो स्टेशन कितना अच्छा लग रहा था, पूरा लाइटिंग हो रहा था। मैं उससे पहले भी गुवाहाटी गया था कामाख्या मंदिर में,
अभी तक दो बार हुआ है, पहले एक बार गया था, अभी जा रही हो। उसके बाद देखो बच्चे इतना बदमाशी कर रहे हैं हर एक सीट में। मेरा सिस्टर का बच्चा तो बहुत बदमाश है। हम ऐसे बैठे खड़ा होके ऐसे टाइम पास कर रहा था। उसके बाद मैंने जाके बैठा सिस्टर इन लॉ के साथ। देखो सिस्टर इन लॉ कुछ खाया है, उसके बाद पानी खा रहे और उसका बेटी झालमुरी ले लिया, मुरी खा रहे। और हम सब मिलके घर से, मेरा मम्मी रोटी और आलू भाजी बनाया दिया था तो सब खा लिया। उसके बाद मैं सबको देके मैं खा रही हूँ, देखो आलू भुजिया और रोटी। अभी तक देखो कोई भी सोया नहीं है, कितना शैतानी कर रहे हैं देखो बच्चे। और मेरा भाई है इधर मोबाइल देख रहे हैं। अभी रात को देखो 11 बज गया है, अभी 11 बज रहे और पूरा ट्रेन पूरा साइलेंट है, सब सो रहे। मेरा आँख में नींद नहीं है, मेरा हस्बैंड भी सो गया है, देखो हर कोई सो रहे। उसके बाद हो गया सुबह के, फिर ब्रश करके सब देखो ब्रेकफास्ट करने पे बिजी है। मेरा बाबू भी खा रहे ब्रेकफास्ट, चाय भी ले लिया। और ये है लैमडिंग आके रुका है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम आ गए हैं लैमडिंग। देखो बहुत देर से इधर ट्रेन रुका हुआ है लैमडिंग आने के बाद। हम भी ब्रश करके अभी चाय पी रहे हैं, कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। घर भी इधर खड़ा है। उसके बाद हम पीछे बैठ गए ट्रेन के। और इधर देखो ट्रेन से व्यू कैसा लग रहा था, जस्ट असाधारण, वाओ ब्यूटीफुल, जितना बोलूँगी ना उतना ही कम लगेगा। इतना अच्छा व्यू लग रहा था, जैसे कि मैं तो मेरा मन कर रहा था पूरा कैमरा ऑन करके रखो, पूरा वीडियो बना के घर पे लेके आओ। लेकिन इतना भी तो नहीं हो सकता ना, मेरा क्या मोबाइल का GB फुल हो जाएगी। एक नदी है, नदी के ऊपर पुल से हम जा रहे हैं। देखो ये है पहाड़, कितना अच्छा लग रहा था पहाड़ को। और मैंने दरवाज़ा पे खड़ा होके वीडियो लिया था और मेरा हस्बैंड कितना सुनाया भी था, जैसे कि मैं दरवाज़ा से गिर जाऊंगी या कुछ हो जाएगी इसीलिए। उसके बाद देखो एक दीदी ट्रेन पे गाना गा रहे, तो मैंने भी थोड़ा वीडियो शूट किया आपको, आप सब लोगों को दिखाने के लिए गाना गा रहे। ट्रेन पे लोग कुछ भी कर लेता है टाइम पास करने के लिए। देखो उसके बाद फिर से आ गया छोटा छोटा पहाड़, देखने में कितना अच्छा लग रहा था क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट पे बताना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना, और कमेंट करने के लिए नहीं भूलना, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ही अनुप्रेरणा देते है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। देखो इधर कितना बड़ा बड़ा पत्थर है,
बहुत ही बड़ा बड़ा पत्थर है इस जगह पे। पता नहीं कौन सा जगह है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत ही बड़ा बड़ा पत्थर था। और हेलो गाइस, देखो हम आ गए हैं गुवाहाटी, अभी हम उतरने वाला है। देखो मेरा हालत क्या है। उसके बाद तो हम पहुंच गए स्टेशन पे, अभी जा रहे हैं, अभी सीढ़ी से ऊपर जा रहे, ऊपर से नीचे उतरूंगा, उसके बाद जाऊंगा रूम पे जाके नहाऊंगा, उसके बाद ही तैयार होके जाऊंगा ऐसे मंदिर पे। मंदिर पे जाने के लिए अभी तो रेडी तो होना पड़ेगा ना। मेरा नानी जो गया था हमारे साथ, नानी का पहला ट्रेन चढ़ना है, पहली बार ट्रेन चढ़ा है हमारे साथ में। और देखते देखते देखो आ गया रूम के पास, अभी जा रही हूँ रूम पे। अभी देखो हम आ गए, आसामी है, देखो भी कुछ है, स्टेचू इधर आसामी है, स्टेचू बना के रखा है। और अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए, नहाने के बाद फिर रेडी होके हम जाएंगे गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। देखो इधर कितना बड़ा बड़ा पंखा लगा। देखो उसके बाद रूम पे गया, नहा के फिर से आ गए। मेरा नानी भी नहा लिया और मैं भी नहा के आ गया। मेरा ननद भी अभी रेडी भी हो रहे हैं मंदिर के जाने के लिए। देखो हम रेडी होके बाहर निकल गया। यह है गुवाहाटी का रेल स्टेशन, बहुत ही बड़ा है। अभी हम जा रहे हैं रेडी होके मंदिर पे। हाँ अभी हम ऑटो पे उठ गया हूँ मंदिर पे जाने के लिए। हम दो ऑटो लिया था, एक में मेरा नानी, मेरा नाना, उसका बच्चा, और एक में मैं, मेरा बहन, मेरा भाई सब है। देखो ये है गुवाहाटी का बास है, गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा बास है। और मंदिर के पास हम भी आ गया। देखो मंदिर इतना ऊपर था, इतना ऊपर था, क्या बताऊँ, बहुत ही ऊपर था मंदिर। देखो गाड़ी में मेरा बहन का बच्चा भी कितना फिर शैतानी कर रहे हैं। और इधर देखो छोटा एक झरना है, तो थोड़ा बहुत शूट लिया। और व्यू देखो, देखते देखते हम पहुंच गया। अभी प्रसाद ले रही हूँ, उसके बाद ही जाऊंगा, प्रसाद लूंगा उसके बाद ही जाऊंगा। हम सब मिल के प्रसाद ले रहे, उसके बाद और भी थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ता है। बहुत ही धूप था तो मैंने छत्ता भी लेके गया था, छत्ता लेके जा रही हूँ। और मंदिर भी कितना भीड़ है आप उम्मीद लगा सकते हो वीडियो देख के। देखो धूप जैसा गर्मी था, ऐसा लोग भी था, इतना भीड़ भी था। और देखते देखते हम मंदिर के पास पहुंच ही गया। देखो माँ कामाख्या देवी के पास पहुंच ही गया। और इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसका नेक्स्ट ब्लॉग आएगा पार्ट टू में। ये पार्ट वन है, पार्ट टू में आएगा, ज़रूर देखना। अभी देखो महिष बलि दिया है, बकरी भी बलि दिया है, हम देख के अभी अंदर जा रहे हैं। टाटा बाय बाय, फिर मिलूँगा पार्ट टू में।